एसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ का बयान। मौजूदा सरकार चुनरो की सरकार, भाजपा सरकार सभी मामले में विफल। सरकार ने समय पर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए तो नवंबर में करेंगे आंदोलन। एनएसयूआई छात्र संघ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निवास का करेगी घेराव। रोहतक कांग्रेस भवन में एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार हर कदम पर विफल साबित हुई है। भाजपा ने अपने विधानसभा चुनाव में छात्र चुनाव को कराने की घोषणा की थी, मगर मौजूदा सरकार की यह घोषणा महज एक जुल्मा साबित हुई। छात्र नेता ने कहा, अगर आने वाले समय में छात्र चुनाव संपन्न नहीं हुए तो आने वाले नवंबर में प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा व साथ ही प्रदेश में आयोजित उनके हर सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम का एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवाओं व छात्रों की आवाज बनकर उभरे हैं, वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान मजदूर व हर वर्ग की आवाज बनकर उभर रहे हैं। वे भाजपा सरकार इस सत्ता की आवाज को दबाना चाहती है, मगर सत्ता न तो दबता है और न छिपता है। हमारा मुख्य इस पत्रकार वार्ता को लेकर हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि हम छात्रों की आवाज़ को मौजूदा सरकार तक पहुँचाएं। मौजूदा सरकार ने अपने हरियाणा विधानसभा 2014 के चुनाव में घोषणा की थी कि हम छात्र चुनाव को हम सब एक छात्र चुनाव करवाएंगे, जबकि मौजूदा सरकार ने छात्रों को एक जुमला दे दिया। अगर मौजूदा सरकार ने समय पर छात्रों के छात्र चुनाव नहीं करवाए तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार के निवास स्थान का घेराव करेंगे व प्रदेश में जहां पर भी इनका काफिला जाएगा उसको रोकेंगे। चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, हम छात्रों की आवाज़ किसी भी हालात में दबने नहीं देंगे। मौजूदा सरकार हर वर्ग को जुमला देकर अपनी सरकार बनाई है, चाहे वह किसान का मेरा मजदूर वर्ग हो, चाहे वह महिलाओं का वर्ग हो, चाहे वह युवाओं का छात्रों का वर्ग हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी छात्रों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और किस छात्रों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, जैसे कि गत 29 सितंबर को हमारे मधवी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक छात्र पंचायत हुई। आने वाले 11 अक्टूबर को हिसार में जीजीयू में हमारी छात्र पंचायत होगी, फिर रेवाड़ी कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ में हमारी छात्र पंचायत होगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी छात्रों की व युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार आवाज़ को दबा रही है। सच्चाई को दबाना मौजूदा सरकार की आदत हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप देख रहे हैं किसान पंचायत कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में 8 तारीख को फिर दलित पंचायत करेंगे, हर वर्ग की पंचायत कर रहे हैं, वह उनकी आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। और मौजूदा सरकार सत्य की आवाज़ को दबाना चाहती है, परंतु सत्य कभी न तो छिपाया न दबाया है। हम एक अच्छी और सच्चाई की आवाज़ बनकर उभरेंगे और उभर रहे हैं।